अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस के बारे में। आज हमारा उसका 11th लेक्चर है, कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। कंपैरिजन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आज हम इनका जनरल पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए और हम इजिली इनको कंपेयर कर सकें। सॉल्यूशन जैसा कि हमने पढ़ा, हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, कि मैंने शुगर है, शुगर एक चम्मच चीनी को पानी में मिक्स किया हुआ है और उसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, एंड आफ्टर सम टाइम कि आई कांट डिटरमिन के ये जो पानी पड़ा है इसमें चीनी है या नमक है या कुछ और है या कुछ नहीं है, तो वो पी के पता चलेगा, उसके टेस्ट से पता चलेगा। तो वो क्या है बेसिकली कि होमोजेनाइज हो गए हैं जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, चीनी भी और पानी भी, वो दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इस तरह से मिक्स हो चुके हैं कि उनकी अब जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है, अपनी अपनी जो उनकी पहचान थी, वो हम उसको डिटरमिन नहीं कर पा रहे। तो वो था सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, उसको हम ट्रू सोल्यूशन कह सकते हैं कि जिसमें जैसे इंक है, इंक और रेड इंक है, उसको हम पानी में मिक्स करें तो वो इस तरह से पानी में मिक्स हो जाते हैं कि फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्चुअली हमारे पास इंक कहाँ है और पानी कहाँ है, वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, वो मिक्सअप हो जाते हैं, अच्छी तरह से सॉल्यूशन बना लेते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी साइड पे अगर हम मिल्क देखें, दूध जो है जो गाढ़ा होता है वो क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता, क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता, हम देख नहीं पाते। अगर फॉर एग्जांपल एक ग्लास पानी मैंने रखा हुआ है तो वो पानी के मैं उस साइड पे ट्रांसपेरेंट ग्लास से देख पाऊंगी, लेकिन अगर मैंने उसी ग्लास में दूध डाला हुआ है तो मैं दूसरी साइड से नहीं देख पाऊंगी कि इसमें दूसरी साइड पे ग्लास की दूसरी साइड पे नहीं देखूंगी, क्योंकि वो डेंस है। तो कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड में बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं वो जितने सॉल्यूशन में थे उससे बड़े होते हैं, पार्टिकल्स लार्ज होते हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि हम उनको अपनी आम आंख से, हम उनको अपनी नेकेड आई से देख लें, हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। कोलाइड के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क में फैट्स पाए जा रहे हैं, फैट्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो पाए जा रहे हैं मिल्क में, प्रोटीन भी पाई जा रही है, फिर साथ वाटर है, तो अब वो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन हमें वो इतने भी बड़े नहीं है कि हम उनको अपनी आम आंख से देख सकें। वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दिस इज फैट, दिस इज प्रोटीन, हम उनको नहीं देख सकते। तो कोलाइड में ये होता है कि पार्टिकल्स लार्ज होते हैं बट नॉट लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई। तो हमें कैसे पता चलता है कि गिवन सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो कोलाइड है या वो कुछ और है? तो हम क्या करते हैं, जब उस सॉल्यूशन से लाइट को पास करते हैं, ये लाइट की मैंने सीधी रे पास की, तो वो लाइट जब सॉल्यूशन से गुजरती है तो वो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। जब स्कैटरिंग होती है लाइट की तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल कोन इफेक्ट, टिंडल कोन इफेक्ट, कि ये कोन बनी है, एक कोन लाइक ना हमारे पास, तो टिंडल कोन इफेक्ट। क्या होता है टिंडल कोन इफेक्ट, कि जब लाइट रेज को हम पास करें कोलाइड से, कोलाइड के पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, वो बड़े हैं, वो उस लाइट के, उस लाइट की रेज से टकराते हैं, जब वो टकराते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, उस लाइट को फैला देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलाइड की ये स्पेशियलिटी होती है कि कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो इसी से फिर हमें पता चलता है कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन है या कोलाइड है। तो इस वजह से फिर हम कोलाइड्स को दूसरा नाम फॉल्स सॉल्यूशन का भी देते हैं, फॉल्स सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन वो जिसमें कंप्लीटली होमोजेनाइज है। तो ये एक्चुअली देखने से हमें लगता है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन ये होमोजेनियस नहीं होता, ये हेटरोजेनियस मिक्सचर होता है वैसे भी कोलाइड्स का। तो कोलाइड में फिर हमने देखा कि ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। इसकी एग्जांपल हम मिल्क ले सकते हैं, ब्लड है, जैसे ब्लड में ब्लड सेल्स पाए जा रहे हैं,
प्लाज्मा पाया जा रहा है, वाटर पाया जा रहा है, हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे कि वेयर आर ब्लड सेल्स, वेयर आर प्लाज्मा, हमें पूरा वो ब्लड ही नजर आता है, लेकिन वो कोलाइड है, वो भी लाइट को बिखेर देगा। इसी तरह से जेली है, जेली भी एक कोलाइड है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है सस्पेंशन, सस्पेंड करना, लटके रहना, हल ना होना। कि सस्पेंशन में क्या है कि इसके बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए कि हम रेत है, रेत को हम पानी में मिक्स करें तो हमने उसको ऐसे हिलाएंगे तो जब हिलाएंगे क्या होगा, जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे उस सॉल्यूशन में हमें सस्पेंड हुए नजर आएंगे, वो खड़े हुए लटके हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम उस सॉल्यूशन को सेटल कर देंगे, रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, हम बाद में थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो जो रेत है वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, रेत के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, तो वो हमारे पास सस्पेंशन के सस्पेंड हुए हैं। जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो वाटर में सस्पेंड हो गए हैं, तो ये सस्पेंशन बेसिकली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज सॉल्यूशन और कोलाइड के पार्टिकल से बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आई से देख लेते हैं, अपनी आम आंख से हम उन पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है अनडिजॉल्व पार्टिकल्स का। इस केस में जो पार्टिकल्स है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, जैसे चाक का सॉल्यूशन बनाया जाता है, चाक को पानी में मिक्स करें तो वो भी उसके पार्टिकल्स भी सस्पेंड ही रहेंगे, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी पानी में मिक्स करें तो वो भी ऐसे ही सस्पेंड रहेगा। तो सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर हम लाइट का देखें तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्योंकि छोटे हैं तो इनसे लाइट ऐसे सीधी सीधी गुजर जाती है, कोलाइड के पार्टिकल्स जरा बड़े हैं तो उनसे क्या होता है, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं तो वो क्या होता है कि वो लाइट को ना तो स्कैटर करते हैं, ना लाइट को पास करने देते हैं, बल्कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये थे हमारे पास सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। इस वजह से आपको आज जनरल बताया कि आपको इसकी समझ आ जाए, ताकि कल हम जो है वो इनके बारे में कंपैरिजन जो है वो डिटेल से पढ़ सके। तो ये था भाई आज हमारे पास सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछें। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।